Hey guys, welcome back to the channel. It's Learner's Blog. My name is Simranjit Kaur and today we are going to read the new topic, new concept that is of management. पहले मैंने principles of management पर वीडियो बनाई थी और अब मैं बनाऊंगी कि management होती क्या और इसके features क्या हैं. So let's start. Management basically ये होती है कि कोई भी successful organization अपनी goal easily achieve नहीं कर पाती, या फिर by chance तुक्की से नहीं कर पाती. एक deliberate process होता है, उसे हम management बोलते हैं. मैनेजमेंट इज दैट वट मैनेजर डज. मैनेजर इज टोटली डिपेंड्स अपॉन मैनेजर्स. सो बिकॉज मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस. यू कैन रन इवन इमेजिन अ बिजनेस विदाउट मैनेजमेंट. वी कैन सी मैनेजमेंट एवरीवेयर इन एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल हो, नॉन प्रॉफिट हो, या फिर प्रॉफिट हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो. हमें हर एक जगह पर हमें मैनेजमेंट देखने को मिलती है. सो पहले हमने ये पॉइंट को कवर किया है कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है. कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल का आप एज अ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अगर अचीव करना हो तो वो बाय चांस नहीं होता, एक डेलिबरेट प्रोसेस होता है जिसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं. ये तो चलूंगा. सो मैनेजमेंट is a kind of a deliberate process which is followed by every kind of a business, every kind of a businessman. So management is very important. Let us discuss what are the different kind of features related to the management. So there are mainly 7 kinds of features. Features और भी हो सकते हैं, लेकिन जो main features है management के वो पूनम गांधी की book से लिए गए हैं. जो 7 kinds are mainly. So first feature है goal oriented. कोई भी चीज़ है बिना गोल के वर्क नहीं करती. बिजनेस का, हर एक बिजनेस का कोई ना कोई गोल तो होता है, फिर वो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, द प्रॉफिट हो, या फिर सर्विस प्रोवाइड करना. लेकिन मेनली हर एक बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना ही होता है. मैनेजमेंट तभी वर्क अच्छे से कर पाएगी, तभी वर्क मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाएगी जब उसका कोई गोल हो. सो मैनेजमेंट दैट वी कैन सिंपली से इज दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, वर्क ऑन अ गोल सो वी कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट. सो नेक्स्ट है प्रवेसिव मैनेजमेंट. प्रवेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ का हर जगह मौजूद होना. मैनेजमेंट भी हम हर जगह देख सकते हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स, कोई संस्था, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पर हम मैनेजमेंट देखने को मिल सकती है. अब नेक्स्ट है कंटिन्यूस मैनेजमेंट. इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस. कि मैनेजमेंट एक बार किसी चीज़ को प्लान कर दिया और उसे इंटरप्रेट कर दिया, मैनेजमेंट यहाँ पर कहते हैं कि नॉट इट इवन देयर, नेवर. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लाइक व्हाट? लाइक फॉर एग्जांपल कि जब हम प्लानिंग करते हैं उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं. दस वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सो इट इज नेवर एंडिंग. ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट रन्स ऑन अ ग्रुप एक्टिविटी. टू और मोर देन टू पर्सन अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो मैनेजमेंट को ज्यादा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. सो मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी. सो नेक्स्ट है फ्लेक्सीबिलिटी. फ्लेक्सीबिलिटी दैट इज द काइंड ऑफ अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, या फिर किसी चीज को एक जगह पर स्थिर नहीं रहना, कोई फ्लेक्सीबिलिटी होनी. मैनेजमेंट में फ्लेक्सीबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सिचुएशन को हैंडल करते समय हमें उनसे फाइट करनी आनी चाहिए. लाइक उनके अकॉर्डिंगली ही हम अपने प्लान चेंज नहीं होते, या किसी ने प्लान को चेंज करना इतनी ईजी नहीं है, बट थोड़े बहुत चेंज ला सकते हैं. सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेक्सीबिलिटी. नेक्स्ट है वर्क्स इन डायनामिक एनवायरमेंट. वैसे फ्लेक्सीबिलिटी एंड डायनामिक एनवायरमेंट है तो एक जैसे पॉइंट, लेकिन उन्होंने पॉइंट बनाने के लिए दिए हैं. डायनेमिक इन्वायरमेंट दैट देयर इज अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, कस्टमर्स टेस्ट्स प्रेफरेंसेस कैन बी चेंज इन एवरी मोमेंट इन एवरी टाइम. सो मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन. सो मैनेजमेंट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट. नेक्स्ट है इंटेंजिबल मैनेजमेंट. इज अ काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट. या मैनेजमेंट इज अवर एसेट एंड इफ दिस एसेट इज कंटिन्यूसली पॉलिश्ड एंड बाय परफॉर्म बाय प्रोफेशनल्स एंड बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स, देन ऑब्वियसली वी कैन achieve our organization goal. But intangible point says that we can't touch management, we just feel the organization that yeah, management is a stable. हम किसी भी किसी कैफे में चले, किसी रेस्टोरेंट में चल गए, वो चीज़ें मैनेज की गई होती हैं. तो
तो हम देखते हैं कि यार यार कितनी अच्छी मैनेजमेंट हो रही है, कमर्शियल वालों की लैंग्वेज देखिए तो कितना अच्छा मैनेज किया गया हो. सो मुझे बाकी की लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन हम यही बोलते हैं कि कितना अच्छा मैनेज किया गया है. सो मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, देखी नहीं जाती, लेकिन वी कैन फील दैट या मैनेजमेंट इज देयर, बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. सो प्लीज रिवाइज दीज 7 फीचर्स इन कमेंट सेक्शन, एंड पार्ट 2 में हम इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है, हम ये भी ट्राई करेंगे कवर करने में. सो मेरी वीडियोज़ ज़्यादातर पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही आती हैं. सो पार्ट 1 2 में हम चैप्टर पूरा फिनिश कर देती हूँ मैं. सो पार्ट 2 में हो सकता है कि मैं मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट कर, जैसे मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो एक टॉपिक है जिसे हम प्रोजेक्ट फाइल हम बनाती हैं. मैंने 12th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर. सो मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पहले करना ज़्यादा बेहतर समझा कि हम उसे कैसे लर्न कर सकते हैं. बाकी टेलर के प्रिंसिपल टेक्निक ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन वो भी मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो. सो एक वो भी है प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन. प्रिंसिपल इज अ काइंड ऑफ जनरल गाइडलाइंस एंड दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस, दे जस्ट सिंपली एज एक्ट एज अ गाइडलाइंस. सो देर इज अ सम पॉइंट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड सिंपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इज अ बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑन प्रॉपर रिसर्च, जबकि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रॉपर रिसर्च के बाद नहीं बनते, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस स्किल्स के ऊपर वो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के डिपेंड करते हैं. सो थैंक यू, मज़ा आया.